अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पंजाब पुलिस ट्रैफिक असिस्टेंट का जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था, जो एमसीक्यूस मुझे याद है, मैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी तैयारी हो जाए, जितने भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो जितने भी वैकेंसीज आ रही हैं, आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं और उसके लिए आपको प्रेप करने की ज़रूरत हो, तो जो है ना, आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, इंशाल्लाह हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसके अलावा चलें हम नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज क्या था कि इंडोनेशिया इज़ सिचुएटेड इन, आप सबको पता है कि इंडोनेशिया कहाँ मौजूद होता है, साउथ मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इराक की न्यू करेंसी क्या है, तो वो दिनार है। नेक्स्ट ये है कि कैपिटल ऑफ चाइना कौन है, तो वो बीजिंग है। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ, 1945 में, ये 9th की किताबों में दिया हुआ है, दूसरा चैप्टर है। इन विच सिटी द मस्जिद अल अक्सा, मस्जिद अक्सा किस सिटी में मौजूद है, तो वो जरूसलम में मौजूद है, और जरूसलम इसराइल का कैपिटल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कि बॉक्सिंग डे कब मनाया जाता है, तो बॉक्सिंग डे 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट एक सवाल है, वर्ल्ड वार वन कब स्टार्ट हुआ, तो वर्ल्ड वार वन 1914 में स्टार्ट हुआ, 14 में स्टार्ट हुआ, और ख़त्म कब हुआ, 1918 में ख़त्म हुआ। और उसके अलावा वर्ल्ड वार टू जो स्टार्ट हुआ वो 1939 में हुआ, और 1944 में वो ख़त्म हुआ था। और नेक्स्ट ये है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अकर्ड इन 16 अक्टूबर 1905 1905 में हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि 1:3 किसके बराबर होता है, 1/3, ये कॉमन सवाल है बहुत। व्हेन डिड द लॉर्ड माउंटबेटन अराइव इन द दिल्ली एज अ न्यू वायसराय ऑफ इंडिया, इंडिया का न्यू वायसराय में लॉर्ड माउंटबेटन कब दिल्ली पहुंचा, तो वो मार्च 22, 1947 को आया। द ओल्डेस्ट नेम ऑफ फैसलाबाद, फैसलाबाद का ओल्डेस्ट नेम क्या है, लैलपुर है। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर का क्या है, महमूदपुर। कराची का क्या था, महमूदपुर, ठीक है, यहाँ मैं हाथ से लिख रहा हूँ तो थोड़ा अजीब आ रहा है, तो लाहौर का महमूदपुर है, कराची का क्या है, दीबल है। इसी तरीके से जितने भी बहुत सारे पाकिस्तान के शहर हैं उनके पुराने नाम हैं, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आप लोग को ग्रुप में जो ना वो नाम शेयर कर देता हूँ। सिंध तासमा, द वाटर इंडस वाटर टेरिटरी वाज साइंड ऑन 19 सितंबर 1916, मतलब 1960 में हुआ था सिंध तासमा अब्दा, ये भी 9th की बुक में दी हुई है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन ईयर 10 दिसंबर। एक बात है कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप 9th की पाक स्टडी को उठा लें और उसके अच्छे से मतलब उसको याद कर लें, और आपके पेपर में कम से कम 10 से 15 MCQs वहाँ से ईजीली सॉल्व हो जाएंगे, इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वॉज इन्फोर्स्ड इन 23 मार्च 1956, मतलब पाकिस्तान का पहला आयन कब बना था, वो तो 23 मार्च 1956 को हुआ था। नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्टेट्स इन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिया के वक्त आज़ादी के वक्त कितनी देसी रियासतें मौजूद थी, तो वो 552। नेक्स्ट सवाल है, विच बाइनरी सिस्टम इज़ यूज इन कंप्यूटर, तो सॉरी विच नंबर सिस्टम इज़ यूज इन कंप्यूटर, तो वो बाइनरी सिस्टम होता है, और वो बाइनरी सिस्टम 1, 0 and 1 होता है, बाइनरी सिस्टम है, और बाइनरी सिस्टम 0 and 1 है। वेयर ब्रॉडवे पुल इज सिचुएटेड, तो ब्रॉडवे पुल USA में सिचुएटेड होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इसराइल कैपिटल पार्लियामेंट, तो वो क्या होता है, नीस्ट, KNESET नीस्ट होता है। और उसके अलावा नेक्स्ट है, मल्टीपल ऑफ इनवर्स 4 - 4/3 इज़, इसका अपोजिट कितना होता है, -3/4, मतलब ये कि जो 4/3 है इसका अपोजिट क्या होगा, माइनस हमेशा लगेगा, लेकिन ये जो 3 नीचे है दूसरे साइड पे ऊपर चला जाएगा, और जो 4 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो ये इस तरीके से इसका अपोजिट हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर एक सेट है उसमें 3 नंबर हैं, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, अभी कर लेते हैं इस सवाल को, तो इसमें कितने जो सब सेट बनेंगे, तो वो 8 बनेंगे। पहला हमेशा 5 होता है, दूसरा सॉरी 1 होता है, और फिर 2, फिर 3, मैं हाथ से लिख रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ा इशू हो रहा है, 1 vs 2, 1 vs 3, 2 vs 3 एंड 1, 2, 3, तो 1, 2, 3,
1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सबसेट होते हैं। अब मुझे सब को रेज भी करना है वन बाय वन, ज़रा जस्ट वेट फॉर अ वाइल, मैं इसको रेज कर लूँ ताकि नेक्स्ट एम सी क्यूज़ हम डिस्कस कर लें। और उसके अलावा नेक्स्ट एम सी क्यूज़ क्या है, डेंजर का मतलब क्या होता है, रिस्क होता है, बाकी जो है ना कुछ एम सी क्यूज़ हैं जो कि मैं उन्हें लिख के मैं आपको जो है ना अभी सेंड इसी स्लाइड पे मैं आपको लिख के जो है ना मैं आपको दे रहा हूँ। और उसके अलावा जो है ना आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी मतलब हमारे इस वीडियो को आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मतलब उसके अलावा जो है ना आप ग्रुप हमारा ज्वाइन करें, इंशाल्लाह हम आपको बहुत सारा मवाद, बहुत सारा डाटा और जितनी भी जॉब के रिलेटेड पोस्ट हैं हम वहाँ आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।